मामा, निहाल जैसा डल और बोरिंग इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एकदम से वो बदल सा गया, ऐसे बूढ़ा इंसान बन गया जो हर वक्त मुंह सुजाए बैठा रहता। मैं कितनी बीमार थी, मजाल है जिसने एक बार भी मेरी तबीयत का पूछा। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा मामा, व्हाटएवर, यू नो आई लव टू सोशलाइज। मेरा हस्बैंड मुझे मुंह नहीं लगाता, मैं क्या सारा दिन घर में बैठी रहूं? अंकल प्लीज, अभी मुझे ना इस लेक्चर की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, मैं इसका फैसला अच्छे से ले सकती हूँ। ये हम सबको हो क्या गया कि इस घर की खुशियां औलाद के होने से मुंसलिक है? उससे पहले कि हम खुश नहीं रहते थे? घर में हम चार लोग हैं, सब नाराज अपने अपने कमरों में कैद हैं। हाँ, ये तो उनकी मर्जी है ना, जिसको शोक मनाना है वो मनाए, मैं तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। ये मेरे और बीना के पासपोर्ट और टिकट्स तुम्हारे सामान से क्यों निकले? क्या ये क्या कह रहे हो तुम? यकीन मानो, आज से पहले तो मैंने ये देखे भी नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी अलमारी में कहां से आए ये। अपनी चोरी और झूठ छुपाने का अगर ये कोई नया तरीका है ना तुम्हारा, तो बहुत ही तकियानुस तरीका है। मुझे सच सच बताओ वरना। मेरा यकीन मानो, मुझे नहीं पता कि मेरी अलमारी में कहां से आए। मुझे पूरा यकीन कि रिफत आंटी ने ना मेरी अलमारी में जानबूझकर छुपाया। शट अप, जस्ट शट अप।